रेस्क्यू ऑपरेशन जो हम करते हैं, इट इज अबाउट दी बॉन्डेड लेबरर्स, जो बंधुआ मजदूर हैं उनके लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। ये बंधुआ मजदूर किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और ये मेड सर्वेंट्स भी हो सकते हैं। इनके लिए हम जो है ये रेड ऑपरेशन करते हैं। तो ये शुरुआत हुई 82 से, जो पहली बार श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने जो है ईंट भट्टे से एक पूरे परिवार को बचाया, और वहाँ से शुरुआत, ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो माँ बाप के थ्रू मिल रही है, समुदाय के थ्रू मिल रही है, या जो पीड़ित है वो खुद आके आपको बता रहा है। और चौथा पक्ष था कि अगर हमको ऐसी जानकारी मिलती है तो हम कैसे उस पर कार्रवाई करें। और अभी तक आंदोलन ने करीब 85,000 से ऊपर बच्चों को रेस्क्यू किया है, अलग अलग बाल मजदूरी से, विधवा मजदूरी से, बाल वेश्यावृत्ति से, घरेलू बाल मजदूरी से, अलग अलग क्षेत्र से जो खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाएं हैं वहां से उन बच्चों को मुक्त कराया गया। किसी ने कंप्लेन हमें किया तो उसको पहले हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई सही में कंप्लेन सही है या नहीं, तो उस कंप्लेन को चेक करना और उस कंप्लेन पे विक्टिम को होना ये निश्चित करते हैं। अपनी एक रणनीति है, हम उस रणनीति को डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हम कैसे जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा खतरे वाला काम है। तो उस रणनीति के हिसाब से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कारखाने में, किस घर में, किस फैक्ट्री में, किस ढाबे पे कितने बच्चे हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कहाँ से आए हैं। ये एक सेक्रेट तरीके से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है और उसके बेस पे हम कंप्लेन देते हैं। एक पुलिस के साथ, श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक रणनीति बनाई जाती है कि भाई बच्चों की संख्या इतनी है, अगर एक बच्चे की संख्या है तो उसमें हम लोग ज़्यादा देर नहीं लगाते, इमीडिएट एक्शन होता है, आज हमें जानकारी मिली है शाम तक बच्चे को या बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाएगा क्योंकि संख्या कम है। कानून यह है कि हम किसी को जगह नहीं बताने के लिए बाध्य हैं कि हम बताएं कि बच्चे कहाँ हैं। अधिकारी भी पूछते हैं, एसडीएम भी पूछता है, डीएम भी पूछता है, हम नहीं बताते। बाउंड्री लेबर एक्ट में दिया हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि हम बताएं। बहुत से अधिकारी जिद करते हैं कि आप बताइए कहाँ है। उन्हें जब समझा देते हैं कि साहब अगर लीकेज हो गया तो हम एक्यूज करेंगे कि आपने लीक आउट कर दिया, तो अधिकारी मान जाते हैं। अब वो इस बात की जिद नहीं करते कि कहाँ जाना है, किसको छुड़ाना है, ये पूछते नहीं। हम उन्हें केवल पुलिस स्टेशन का नाम बताते हैं, पुलिस स्टेशन पर हमें पुलिस फोर्स मिल जाती है, वहीं से हम इकट्ठा होते हैं और वहीं से जो स्पॉट होता है, जो हमारे एक्टिविस्ट बताए रहते हैं, वहां हम छापा मारते हैं। छोटे छोटे कारखानों में बड़ी संख्या में बच्चे काम करते हैं और इन्हें कोई दलाल बरगला के लाता है। वो जो बच्चे भीख मांगते हैं उनमें नेटवर्क बड़ा है, वो 10-20-50 बच्चों को गांव से इधर उधर से इकट्ठा करके किसी जगह रखते हैं, दिन में लाते हैं और रेड लाइट पर और जगह मंदिरों में वो खड़ा कर देते हैं। दिन भर बच्चे जो भीख मांगते हैं उनको वो शाम को फिर इकट्ठा करते हैं, रात को जहाँ इनका नाइट शेल्टर होता है वहाँ ले जाते हैं, पैसा सब रख लेते हैं, जो रूखा सूखा खाना होता है बच्चों को दे देते हैं और डरा धमका के इनका एक्सप्लॉयटेशन बुरी तरह से करते हैं। ऐसे भी न जाने कितने इंस्टांसेस हम लोगों के सामने आए जहां ऐसे बच्चों के हाथ पैर काट डाले गए, आग पर तेजाब डाल दिया गया। इस तरह के बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अमानवीय घटनाएं जो हैं वो भी प्रकाश में आई। वो बच्चों के मन में भय हो रहता है और भय पैदा किया जाता है कि भाई ये पुलिस वाले आएंगे तुमको पकड़ के लेके जाएंगे, तो ये चीज़ सबसे पहले हम लोग दूर करते हैं। फिर उन बच्चों का फैक्ट्री का पता, मालिक का पता सब कुछ लेने के बाद बच्चों के बयान के आधार पे वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर अवेलेबल होता है उसको पुलिस अरेस्ट करती है और फिर लेके आती है एक सेफ जगह पे। जैसे सेफ जगह का मतलब है कि एक स्कूल हो सकता है, पुलिस स्टेशन नहीं हो सकता, एक एसडीएम ऑफिस होता हो सकता है। तो ऐसी जगह पे बच्चों के साथ फिर से एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद एक साथ लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस,
SDM, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सब एक साथ उन बच्चों के बयान दर्ज करते हैं और उसके बाद मेडिकल होता है और फिर उनको एक किसी भी शेल्टर होम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पे उनको भेज दिया जाता है। पहले हम लोगों ने गारमेंट फैक्ट्री में इसमें जो बच्चे बड़ी संख्या में काम कर रहे थे उनको छुड़ाने शुरू किया, मेड सर्वेंट आई थी उनको छुड़ाया। हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में बॉन्डेड लेबरर से कि भाई अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो हम बच्चा दिन भर खट रहा है और उनको रेस्क्यू करना और रेस्क्यू करने के बाद मुख्य धारा में जोड़ना, और वो एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत खींचती है, अट्रैक्ट करती है कि भाई मैंने हमारे प्रयास से एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। हम लोगों का अनुमान था कि 6 करोड़ बच्चे हैं, अगर 6 करोड़ बच्चे काम से छूट जाएंगे तो कोई दुकान बंद नहीं होगी हिंदुस्तान की, कोई कारखाना नहीं बंद होगा, 6 करोड़ बच्चों की जगह 6 करोड़ नौजवानों को काम मिलेगा। लेकिन दुख है कि जनता का सपोर्ट इस मामले में नहीं है। जहां हम काम करते हैं वहीं चाइल्ड लेबर है, हर जगह चाइल्ड लेबर भरा, किसी को कोई कंसर्न नहीं। समाज में सबके सामने बाल मजदूरी हो देखता है आदमी करते हुए, कष्ट भी लोगों को होता है कि बच्चा बुरे हालत में रह रहा है, लेकिन हम इतना व्यस्त होते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, कि कम से कम ये शपथ ले हैं कि अगर मुझे ये तकलीफ हो रही है बच्चे को काम करते हुए देखते हुए, तो अगर हम ये तय करें कि हम उसको कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको पैसा दीजिए, आप मदद करिए, आपके मन का जो सरोकार है वो सरोकार को आप एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलिए और उसमें कहिए कि मैं ऐसे ढाबे का, मैं ऐसे घर का आतिथ्य और ढाबे से सामान नहीं खरीदूंगा, ऐसे दुकान से नहीं खरीदूंगा, और जहाँ पे बच्चों को के द्वारा बनाई गई चीज़ें, आपको ये कहना है, हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि इसका असर क्या होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो एक बार बार अगर ये ऐसी बातें पब्लिक की तरफ से आ रही है तो एक बार उस मालिक को सोचना पड़ेगा।